सबको जय माता जी की। मैं महिपाल सिंह मखना, श्री राजपूत कर्णसिनागर राष्ट्रीय अध्यक्ष। 16 अक्टूबर स्वाभिमान सम्मेलन जीएमडीसी ग्राउंड, अब की बार वो अंतिम बार। गुजरात का हर एक व्यक्ति, हर एक युवा इस बात को समझे कि हमें ताकत दिखानी है 16 अक्टूबर को जीएमडीसी ग्राउंड। बहुत बड़ा ग्राउंड है, आप सब लोगों की उपस्थिति अनिवार्य रहेगी। अब की बार जो 5 साल पहले हमारे पहले प्रदेश अध्यक्ष थे गुजरात के, गाजबा झाला, उनकी उपस्थिति में, उनके सानिध्य में जो हमारे अभी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वीरभद्र सिंह कच्छ और उनकी पूरी टीम, भरत भाई काठी और जो भी मेरे भाई हैं, सब मिलकर एक बड़ा आयोजन कर रहे हैं। ये कालवी साहब की इच्छा थी। आज से 4 महीने पहले कालवी साहब ने इच्छा जाहिर करी थी कि जीएमडीसी ग्राउंड हम लोग भरेंगे। अभी कालवी साहब की तबीयत खराब है। मैं सब लोगों से बोलना चाह रहा हूँ, कालवी साहब वो नाम जिनकी 3-3 पीढ़ियां खप गई सामाजिक सेवा में, आप सब अब की बार कालवी का नाम आपको बुला रहा है, कालवी साहब आपको बुला रहे हैं कि जीएमडीसी ग्राउंड भरिए। और करणी सेना के बैनर से नॉन पॉलिटिकल संस्था, आपको मालूम है कोई कभी राजनीति नहीं करती, आप सब लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए। और राजबा झाला जो पहले प्रदेश अध्यक्ष थे, पॉलिटिकल आदमी नहीं है वो, अभी पॉलिटिक्स से जुड़ जरूर गए थे। हमने उनको निवेदन करके, उनको बाकायदा रिक्वेस्ट करके बुलाया कि आप लोग काम को संभालिए। अभी प्रदेश संरक्षक के तौर पर वो काम कर रहे हैं, उनके लिए समाज प्रथम है। राजबा झाला एक ऐसा व्यक्ति है गुजरात का जिसने करणी सेना को शुरू में इस गुजरात की धरती पर स्टेब्लिश किया, स्थापित किया, और हमें विश्वास है वो पूरा तन मन धन से इस जो जिम्मेदारी है उसको निभाएंगे, और उनके लिए समाज प्रथम है। ये मैंने देखा है, मैं 5 साल से उनसे जुड़ा हुआ हूँ। कोई भी व्यक्ति अगर राजबा झाला पे उंगली उठा रहा है या उन पर आरोप लगा रहा है तो वो नहीं चाहता कि राजपूत समाज एक हो, हमारी एकता दिखे। मैं सबसे बोलना चाह रहा हूँ, वीरभद्र जी कच्छ जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष है, बहुत नेक दिल इंसान है, राजपूत समाज को एकजुटता करने वाले इंसान है। उनके पिता कई सालों से समाज सेवा में, जिन्होंने अपने बचपन से ये चीज सीखी है। तो मैं आप सबसे बोलना चाह रहा हूँ, 16 अक्टूबर अब की वार हो अंतिम वार, स्वाभिमान सम्मेलन आपको बुला रहा है जीएमडीसी ग्राउंड। जय हिंद, जय भारत, जय माता जी।